दोस्तों एंड्रॉयड स्मार्टफोन तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में, कुछ ऐसे हिडन ट्रिक्स के बारे में जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं और आप अपने दोस्तों के सामने दिखाकर अपना इंप्रेशन बना सकते हैं और आप कूल डूड बन सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, साथ में क्लिक कर दो बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं पहले ट्रिक के बारे में। और पहली ट्रिक काफी कमाल है, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपके दोस्त आपको फोन देते हैं तो वो फोन अनलॉक करके आपको जरूर देंगे, लेकिन वहां पे गैलरी, व्हाट्सएप, ये सभी चीजें लॉक्ड रहती हैं। तो आप इसे कैसे ब्राउज कर सकते हैं, कैसे बाईपास कर सकते हैं? और इसे बाईपास करने के लिए आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में और वहां पर आपको टाइप करना है FILE फाइल कोलन और SSS आपको लगाना है और लिख देना है SD कार्ड ओके, उसके बाद स्लैश और जस्ट आपको एंटर कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी फाइल्स आपकी ओपन हो गई हैं पूरी इंटरनल स्टोरेज की। और यहाँ पे आप जस्ट आपको क्लिक करना है जहाँ पे आपको जाना है, जैसे DCIM आप ओपन करिए और यहाँ पे आपको ओपन करिए कैमरा। अब आप देख सकते हैं सभी कैमरे की जो फोटोज़ हैं वो यहाँ पे आपको दिख रही हैं और कोई भी पिन, पैटर्न, पासवर्ड नहीं लगा है। और जस्ट आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। जस्ट मैंने क्लिक किया और ये देख सकते हैं आप, कोई भी फोटो आप यहाँ पे क्लिक करिए और आप उसको देख सकते हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी कमाल है। अगर आप WhatsApp की फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं तो जस्ट आप नीचे जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं WhatsApp का एक फोल्डर होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है मीडिया में। मीडिया पे क्लिक करने के बाद WhatsApp इमेजेस या फिर आपकी ऑडियो, वीडियो, जो भी आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। तो ये रही पहली ट्रिक, है ना कमाल की ट्रिक। और यहाँ से आप सभी फोटोज, सभी वीडियोस, जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी व्हाट्सएप का आपका डेटा है, सभी कुछ ब्राउज कर सकते हैं। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा और ये जस्ट फन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बस। चलिए बात करते हैं यहाँ पे दूसरी ट्रिक की। और ये ट्रिक काफ़ी कमाल है, काफ़ी औसम है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगर आपका दोस्त, आप अपने दोस्त को फ़ोन देते हैं और वो कुछ भी ब्राउज़ करता है आपके फ़ोन में, कोई भी व्हाट्सएप आपको ओपन कर लिया, फेसबुक ओपन कर लिया, आपका ब्राउज़र कोई भी ओपन कर रहा है, कोई भी आपकी गैलरी में जाता है, तो उसके बाद वो रैम आपकी क्लियर कर देता है और आपको फ़ोन रिटर्न कर देता है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो टास्क चलते रहते हैं बैकग्राउंड में उसको वो किल कर देता है और आपको फ़ोन वापस कर देता है। तो इससे आपको पता नहीं चल पाता कि फ़ोन मैंने दिया तो लेकिन वो क्या क्या ब्राउज़ किया है फ़ोन में। तो इसको जानने के लिए बस सिंपल सा स्टेप है यार, कि आपको जस्ट डायलर में जाना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है *#*#4636#। और यहाँ पे अलग अलग मैन्युफैक्चरर के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा जो कि है यूजर्स स्टैटिक्स। अब वहाँ पे भले वो रैम क्लियर कर दिया हो, आपके ऐप्स जो हैं उनको बंद कर दिया हो, लेकिन यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि कौन से टाइम पे कौन सी एप्लीकेशन ओपन की गई है और कितने देर यूज़ की गई है। तो यहाँ से आप देखते हैं यूट्यूब है, फेसबुक है, जो भी है, सभी कुछ आपको दिख रहा है डेट और टाइम के साथ में। तो ये रही दूसरी ट्रिक। और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में क्या क्या यूज़ किया गया है, चाहे फिर रैम को क्लियर ही क्यों ना कर दिया गया हो। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर तीसरी ट्रिक के बारे में। और ये ट्रिक काफ़ी कमाल की है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे अक्सर पूछा है कि भाई बैकग्राउंड में हम YouTube का वीडियो कैसे प्ले करें, मतलब वीडियो चलता रहे भले दिखाई ना दे लेकिन हमको ऑडियो जो है सुनाई देनी चाहिए। तो ऐसे करने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पर आपको ओपन करना है यूट्यूब और अपने ब्राउज़र को कर लेना है डेस्कटॉप मोड में। जस्ट आप कोई भी वीडियो प्ले करिए दोस्तों, जुलाई का महीना लग चुका है और अगर आप जुलाई के महीने में और कर दीजिए मिनिमाइज। और जैसे आप स्लाइड करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुका है और जस्ट आपको प्ले पे क्लिक करना है और आपका बैकग्राउंड में म्यूजिक चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफी अच्छी ट्रिक है, आप जरूर से यूज करिएगा। यहाँ पे बात करें अगर चौथी ट्रिक की, तो ये भी ट्रिक काफी औसम है, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आप ब्लूटूथ के थ्रू एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कैसे इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। आपने देखा होगा वाईफाई के थ्रू आप अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट चलाते हैं और दूसरे डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो, पीसी हो या फो स्मार्टफोन, तो आप उसमें से इंटरनेट शेयर कर सकते हैं अपने प्राइमरी डिवाइस से। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कैसे आप ब्लूटूथ से इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। और ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, जस्ट आपको जाना है सेटिंग्स में और वहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ ट्रीटिंग का ऑप्शन। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका ब्लूटूथ ट्रीटिंग का हॉटस्पॉट ऑन हो जाएगा और उसके बाद जिस डिवाइस में आपको चलाना है वो इंटरनेट, आप जस्ट जाइए ब्लूटूथ में और वहाँ पर डिवाइस आपको दिख रहा होगा, स्कैन करिए और जस्ट आपको टैप करना है उस पर और वहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्शन जो शेयर है उसको ऑन कर देना है।
और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन, और वो भी ब्लूटूथ से। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्पीड जो है वो 200-300 kbps से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ की जो शेयरिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है। और मैं आपको बता दूँ कि ये बैटरी भी बहुत ही कम कंज्यूम करेगा अगर आप कंपेयर करेंगे वाईफाई हॉटस्पॉट से। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट ट्रिक के बारे में, तो ये है पिक्चर इन पिक्चर मोड। शायद आप जानते होंगे अगर आपके डिवाइस में एंड्रॉयड ओरियो का सपोर्ट है तो ये काफ़ी अच्छे से काम करेगी ट्रिक। और जस्ट आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी है और आपको कर देना है जो ऐप आप यूज़ करना चाहते हैं पिक्चर इन पिक्चर मोड के लिए उसको आप एनेबल कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे यूट्यूब है, वीएलसी प्लेयर है या फिर कुछ और एप्लीकेशन जैसे क्रोम है, वो भी सपोर्ट करते हैं पिक्चर इन पिक्चर मोड को। तो आपको कोई भी वीडियो प्ले करना है, चाहे आपका कोई वीडियो हो चाहे मूवी हो, तो आप उसको प्ले करिए और जस्ट होम बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो जो वीडियो है वो एक छोटे से आपके विंडो में ओपन हो जाएगा और वो आपके होम स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी जाइए, कोई भी एप्स यूज करिए, वो आपका दिखता रहेगा। तो इस तरह से आप एक समय में दो काम कर सकते हैं, मतलब वीडियो देखते हुए आपका फोन भी आप यूज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक्स बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दो यार। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, साथ में क्लिक कर दो बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।